हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का DDM स्कूल ऑफ नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे सेल स्ट्रक्चर की। आई एम प्रदीप कुमार, असिस्टेंट लेक्चरर इन DDM स्कूल ऑफ नर्सिंग। टुडेज आई एम डिस्कस अबाउट सेल स्ट्रक्चर। आज हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। आइए तो देखते हैं सेल क्या होती है और सेल का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी का निर्माण एक सेल से होता है। एक सेल डिवीज़न हो करके दूसरी सेल में डिवाइड होती है। इस प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल बनता है और फिर टिश्यू बनता है। टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं और सिस्टम से एक बॉडी का निर्माण होता है। तो जो सेल होती है, या जिसे हम हिंदी में जानते हैं कोशिका के नाम से, यह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। तो आज हमें इसी के बारे में स्टडी करना है। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि इस सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी कहलाता है। और साइटोलॉजी के जो फादर थे वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक माइक्रोग्राफिया नाम की बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सेल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। और सेल की जो थ्योरी है, इसे सेल्डन ने 1838 में तथा शैलॉन ने 1839 में दिया था। आइए तो देखते हैं सेल क्या होता है। जो ग्रुप ऑफ सेल है वो मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सेल है, ये कई सेल मिल करके टिश्यू का निर्माण करती है और कई टिश्यूज मिल करके ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, जैसे लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, एब्डोमेन हो गया। इस प्रकार से कई ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन। इस प्रकार से कई सिस्टम मिल करके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं, जिसे हम जानते हैं ऑर्गेनाइज्म के नाम से। और कई ह्यूमन बॉडियां मिल करके एक पॉपुलेशंस का निर्माण करती है या जनसंख्या का निर्माण करती है। आइए सेल के बारे में आगे स्टडी करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेल्स के हैं जो एनिमल्स में पाई जाती है, मतलब जीव जंतुओं में पाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, सेंट्रॉइल्स पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है, पेनसाइटिक वेसिकल्स होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ट्यूबल्स होती है, राइबोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स होता है, न्यूक्लियोस होता है, न्यूक्लियस होता है, और गॉल्जी वेसिकल्स होती है, गॉल्जी एपरेटस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को प्लांट सेल के बारे में भी बताऊँगा और एनिमल सेल के भी बारे में बताऊंगा। इसमें जैसे सेल मेम्ब्रेन्स देख रहे हैं आप, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और इसके अलावा एक सेल वॉल भी होती है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एक दूसरा डायग्राम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें क्लियर दिया हुआ है जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इसमें इनके बारे में हम पूरी तरह से डीपली स्टडी करेंगे कि ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ये हमारी सेल्स में पाए जाते हैं, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में स्टडी करेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गॉल्जी एपरेटस होता है, राइबोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स होता है और न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल की। दो प्रकार की सेल्स होती है, यूनिसेल्युलर सेल्स और मल्टीसेल्युलर सेल्स।
यूनिसेल्युलर सेल्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स। यूनिसेल्युलर सेल्स का मतलब होता है ऐसी सेल्स जिसमें सिर्फ एक सेल होती है, और मल्टीसेल्युलर सेल्स जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब इसमें एक से अधिक मल्टी सेल्स पाई जाती है और एक ऑर्गन्स का या ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। जैसे यूनिसेल्युलर जो सेल्स होती है इसे हिंदी में कहते हैं एक कोशिकी जीव। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल हो, एग्जाम्पल होता है इसका अमीबा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अमीबा होती है, इसमें एक ही सेल्स पाई जाती है और एक ही सेल्स सारा काम करती है बॉडी का, या इसमें और इसमें एक नेचर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फेगोसाइटिक नेचर्स, जिसमें अगर इसे कोई चीज़ को इंसर्ट करनी है या इनहेल करनी है तो ये जो एक सेल्स होती है इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अपना स्ट्रक्चर को हमेशा चेंज करती रहती है, इसीलिए इसे यूनिसेल्युलर या एक कोशिकी जीव भी कहते हैं। सेकंड देखिए मल्टीसेल्युलर सेल, ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल, ऐसी सेल्स जो एक से अधिक सेल से मिलकर के बनती है उसे कहा जाता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसी सेल्स पादप कोशिका तथा एनिमल कोशिका में पाई जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की सेल्स होती है जो अपना काम अपने समय पर अपने स्ट्रक्चर के अनुसार करती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल्स अपना अलग काम करेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेल्स अपना अलग काम करेगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सेल्स अपना अलग फंक्शन को कंप्लीट करेगी। अब हम आगे देखते हैं पार्ट ऑफ सेल्स, हमारी सेल्स में या एनिमल सेल्स में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है सेल वॉल्व, सेकंड इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, थर्ड इज़ द साइटोप्लाज्म, फोर्थ इज़ द न्यूक्लियस, फिफ्थ इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, सिक्स इज़ अ लाइसोसोम, सेवन्थ है राइबोसोम्स, एट्थ है गॉल्जी बॉडी एंड नाइन्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टेंथ इज वैक्यूल्स एंड इलेवेंथ प्लास्टाइड। अब आगे देखते हैं फर्स्ट होता है सेल का ऑर्गन सेल वॉल्व। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेल वॉल्व ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लांट सेल ओनली, इसका मतलब यह है कि जो सेल वॉल्व होती है सिर्फ ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है और यह बनी होती है सेल्युलोज की। सेल्युलोज बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स तथा वाटर से, और ये जो सेल्युलोज की जो परत बनी हुई होती है या इसे हम ऐसे कह सकते हैं वॉल्व बनी हुई होती है, यह सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है प्लांट सेल का। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल तथा प्लांट सेल दोनों में ही पाई जाती है, हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स में यह सेल फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आउटर लेयर होती है यह एनिमल सेल्स में पाई जाती है, इसमें सेल वॉल्व नहीं होती है। ये एक अर्ध परागम्य झिल्ली होता है, यह लिपिड और प्रोटीन के बायलेयर से बना होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। ये मुख्य काम सेल मेम्ब्रेन के होते हैं जो कि हमारी सेल में आउटर रूप से पाई जाती है, जिसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड इज साइटोप्लाज्म, सेकेंड सेल का पार्ट हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक तरल फ्लूइड होता है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं यह जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स रहते हैं। मतलब ऑर्गेनेल्स का मतलब यह होता है कि इसमें ऐसे छोटे छोटे सेल के पार्ट्स जो इस जेली लाइक फ्लूइड में तैरते रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गई, इस फ्लूइड के अंदर तैरते रहते हैं।
इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ये सेल में न्यूक्लियस तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पर आप ये सेंटर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये होता है न्यूक्लियस, और ये आउटर वाला पार्ट जो होता है वो है सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जेली लाइक फ्लूइड, जिसके अंदर सेल के ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, इस प्रकार के ऑर्गेनेल्स जो स्मॉल होते हैं वो इस फ्लूइड के अंदर तैरते रहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।